अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आप सब कैसे हो? होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो हम आ गए हैं बाज़ार कोलकाता कुछ शॉपिंग करने के लिए, बच्चों के लिए कपड़े वगैरह। तो यहाँ पे वही हम देख रहे हैं। शॉपिंग हमारी हो गई थी तो अब हम आ गए हैं KFC में कुछ खाने पीने के लिए और यहाँ बस खा पी कर हम निकल जाएंगे घर। गर्मी का पहनने का डंगरी। हाँ तीन सौ हम लोग का जैसा है कैसा अभी हम लोग आ गए हैं वोट देने के लिए और यहाँ पे बस मना कर रहे हैं कि वीडियो कैप्चर ना करें, तो बाहर ही हम लोग खड़े हैं। अभी बन रहा है बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में समोसा। तो यहाँ पे समोसा बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दिया है और कढ़ाई में ऑयल डाला है पहले और साथ ही इसमें धनिया, कुटी हुई धनिया और सौंफ, ज़ीरा, अदरक और रेड चिली पाउडर, रेड चिली को कट करके ऐड कर दिया है। ग्रीन चिली भी डाला है और इसके बाद इसमें एक अनियन का बारीक चॉप करके डाल दिया है। इसे अच्छे से भी भून रहे हैं। तो धनिया और मिर्चा, अदरक, तो यहाँ पे देखो ये गोल्डन ब्राउन अभी नहीं हुई है और इस तरह से इसे भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर दो कटे हुए मीडियम साइज के। इसके साथ ही इसमें ऐड कर दिया है आलू मैश करके और साथ ही डालेंगे हरे मटर और बीन्स। तो ये बॉयल किए गए हरे मटर और बीन्स हैं, ये ऐड कर दिया इसके। और ये जो बचे हुए आलू हैं तो इसे भी मैश कर रहे हैं अभी, तो इसे मैश करके इसे भी डाल देंगे हम। अब
अब इस पे ऐड कर दिया हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर। तो धनिया हमने ऑलरेडी ऐड किया था पहले, साबुत धनिया। तो इसमें धनिया पाउडर ऐड नहीं किया, आप चाहो तो धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हो। साथ ही इसमें ऐड किया है गरम मसाला पाउडर, इमली का पल्प थोड़ा सा ऐड किया था तो वो शूट नहीं हो पाया है, लेकिन इसमें इमली का पल्प भी थोड़ा सा जाएगा। और ये इस तरह का कुछ फिलिंग तैयार हो गया है। यहाँ पे देखो आटा भी बना लिया है, डो इसका तैयार कर लिया आटा का। तो आटे में थोड़ा सा बेसन ऐड किया था और साथ ही घी ऐड किया है और नमक ऐड करके इसे तैयार कर लिया है, डो बना लिया है इसका। और इसे गोल गोल बस इसका लोई तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे बेल लिया है इसे और पाँच छः एक साथ बेल लिया है और इसके ऊपर ही बस लगाया है। और साथ ही यहाँ पे घी लगा रहे हैं, घी लगाया और फिर एक रोटी इस पे लगाएंगे। तो यहाँ पे ये देखो, ये रोटी लगा दिया इसके ऊपर से, फिर से एक और फिर से घी लगाएंगे इस पे। जैसा कि मैंने वो पहले ही बोला है, काफ़ी यूनिक स्टाइल में बन रहा है, काफ़ी अलग डिफरेंट है, तो ये खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये देखो, ये इसे रोल कर रहे हैं। तो पांच रोटियाँ बनाई थी और इसे तले ऊपर बस लगाया है घी लगा कर, और अब इसे अच्छे से रोल कर लिया है। रोल करने के बाद हम इसे कट करेंगे। तो आप बस देखते जाइए कैसे बन रहा है। ये काफ़ी डिफरेंट स्टाइल में है और काफ़ी अच्छा बनता है, काफ़ी क्रिस्पी और करारा बनता है इस तरह से समोसा। तो ये देखो, यहाँ पे ये हम इसे कट कर रहे हैं। दो तीन तरह के शेप्स इसी से बनाएंगे हम लोग समोसे के। तो आप लोग देखें यहाँ पे, इसको चिपटा करेंगे, गोल वाला बनाएंगे तो वाला। तो यहाँ पे जो लोई कट किया था इसे देखो प्रेस कर लिया इस तरह से और इसे बेल लेंगे। हम लोग दूसरा शेप देख लेते हैं कैसे बनता है। तो इसे भी बेल लेंगे।
बिल्कुल धीमे फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे तो ही ये काफ़ी खस्ता बनकर तैयार होगा। बहुत ही कैसा बना है रिव्यू बताओ कैसा बना है कैसा बना है अच्छा। कैसा अच्छा। बहुत अच्छा हाँ। टेस्टी बाहर से भी अच्छा हाँ।